नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जी अब हमारे मध्य नहीं रही हैं। इस शोक की घड़ी में लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु हम सभी CSJMU विश्वविद्यालय कानपुर की ओर से स्वरांजलि लेकर प्रस्तुत हैं और लता जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको कोटि कोटि नमन करते हुए हमारी कुछ छात्राएं गीत प्रस्तुत कर रही हैं जो लता जी के ही स्वर में सजे थे। कभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको गुनगुनाने का प्रयास कर रही हैं। लता जी को बारंबार नमन।
लता जी निश्चित रूप से हम सभी की जिंदगी का वही अभिन्न अंग थी। अब भारतवर्ष की स्वर्ग कोकिला बन गई हैं। उनकी स्मृतियाँ स्वर लहरियाँ चिरकाल तक भारतवर्ष को चंदन की भांति शीतलता तथा गुलाब जैसी सुगंधि प्रदान करती रहेंगी। उनके नाद ब्रह्म में लीन होने से एक ओर स्वर मौन हो चले हैं तो दूसरी ओर शब्द निशब्द
उनके राष्ट्र के प्रति त्याग, प्रेम और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। उनका जाना निश्चित रूप से राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। आज CSJM विश्वविद्यालय नतमस्तक हो उन्हें उनके गीतों के माध्यम से सादर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की सबसे बड़ी पुत्री के रूप में हुआ। उन्होंने लगभग 30 भाषाओं में 30,000 से भी अधिक गीत गाए हैं। उन्होंने अपना पहला गीत सन 1942 में मराठी भाषा में मात्र 13 वर्ष की उम्र में गाया था। उन्हें पद्मभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इत्यादि सम्मानित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऐसी महान सुर साम्राज्ञी को CSJM विश्वविद्यालय परिवार परम श्रद्धा भाव से श्रद्धांजलि समर्पित करता है।